हेलो फ्रेंड्स, मैं पल्लवी जोशी आप लोगों के बीच क्लास 10th की बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर के आई हूँ, जिसमें हम बारी बारी से सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और ये केवल क्लास 10th के लिए ही जरूरी नहीं है कि आपको बस क्लास 10th को ही हेल्पफुल रहेगा, ये आपको जनरल कंपटीशन के जितने भी स्टूडेंट हैं बायोलॉजी से, जनरल कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं, आपको जनरल कंपटीशन में भी ये बहुत सारे मदद करेंगे। देखिए, अभी जनरल कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ब्लड जो 10th में डीपली पढ़ाया जाता है, वही अगर आप कर लेते तो वही कंपटीशन में भी आपको बहुत मदद करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग पहले चैप्टर को, जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण। और एक बात, आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है और हम लोग इस टॉपिक को आज थोड़ा ही पढ़ेंगे, हल्का सा झलक की तौर पे, और इसी चैप्टर को कंटिन्यू अगले वीडियो से हम लोग देखेंगे। बस हल्का सा आज थोड़ा सा जानते हैं क्या है ये टॉपिक। तो टॉपिक का नाम ही है पोषण, पहला चैप्टर क्या है पोषण, तो पोषण को समझते हैं। पोषण मतलब होता है एक तरह से शरीर का देखभाल के लिए हम जो भी कुछ करते हैं। सॉरी, यहाँ पे पोषक लिख, यहाँ पे पोषण होगा। पोषण मतलब शरीर का देखभाल के लिए हम क्या सब करते हैं। डिफिनेशन बताता है हमको, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। यहाँ पे एक शब्द आता है पोषक तत्व, यानी इस परिभाषा को समझने के लिए हमें पोषक तत्व को समझना पड़ेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह सभी क्रियाएं, वह सभी काम जिसके द्वारा हम लोग किसको ग्रहण करते हैं, तो पोषक तत्वों को। अब अगर हम पोषक तत्व समझ जाते हैं कि पोषक तत्व क्या होता है, उसी को हम लोग खाते हैं तब उससे जो ऊर्जा मिलती है वो खाने की प्रक्रिया कहलाती है पोषण। तो हमें समझना है पोषक तत्व। पोषक तत्व वो सभी पदार्थ आते हैं, ये एक रासायनिक यौगिक होते हैं जिसे ग्रहण कर हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं, प्रोटीन लीजिए, कार्बोहाइड्रेट लीजिए, वसा लीजिए, खनिज लीजिए। खनिज में दो तरह के आ सकते हैं, जैसे कि खनिज में लीजिए मैग्नीशियम, सोडियम, लोहा, ये सभी खनिज में आते हैं। तो इन सभी को हम लोग ग्रहण करते हैं, इनकी मात्रा हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती है खनिज की, लेकिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग रोज लेते हैं, इन सभी को हम लोग रोज के रोज ग्रहण करते हैं तब जाकर के हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इन्हीं सब चीज को जो हम लोग खाते हैं, इसी खाने की प्रक्रिया एक तरह से क्या है, ये पोषण है। लेकिन इसको एक सुचारू शब्दों में लिखा जाता है, इसीलिए इसके सुचारू शब्दों के समूह में हम लोग ने कहा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जंतु पोषक तत्वों में, आप लोगों ने क्या सब समझा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के बाद शरीर में उसका उपयोग होता है, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत होती है। इन सभी पोषक तत्वों को ग्रहण क्यों करते हैं, पेट भरने के लिए बस नहीं, पेट भरते हैं उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, साथ ही हमारे शरीर में के अंदर जो ऊतकों की टूट फूट होती है उसकी मरम्मत क्या करते हैं, कौन, तो पोषक तत्व। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग इसको ग्रहण करने के बाद शरीर इसका क्या करता है, उपयोग करता है। तो ये सभी प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। अगर आपको ये परिभाषा नहीं समझ में आ रही है तो चलिए एक और परिभाषा हमारे सामने है, वह है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जीव में हम लोग सभी आते हैं, भोजन के ऊर्जादायक और शरीर निर्माता पदार्थ ग्रहण करता है। यानी वह प्रक्रिया, वह सभी काम जिसके द्वारा सभी जीव जंतु भोजन को ग्रहण करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एक चीज जानते होंगे, हम लोग जिस दिन नहीं खाते हैं उस दिन लगता है कि हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं, हम कोई भी काम नहीं कर पाते। इसका मतलब एक बात आता है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा की अनुभूति होती है, हमें लगता है कि हाँ हम काम कर सकते हैं। इसका मतलब भोजन करने के बाद हमारे शरीर में क्या आती है, ऊर्जा आती है। तो हम लोग जो भोजन करते हैं उससे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा। तो जिस भोजन से आपको ऊर्जा मिले वो ऊर्जादायक भोजन है। तो ऊर्जादायक भोजन और शरीर निर्माता पदार्थ, और जिससे हमारा शरीर निर्माण होता है, जैसे प्रोटीन, प्रोटीन से हड्डियां मजबूत होती है, इन सभी चीज को जो हम लोग ग्रहण करते हैं, शरीर निर्माता पदार्थ को ग्रहण करते हैं, ये सभी प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है।